Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to read chapter 6 computer class 8. Class 8 का chapter 6 हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं problem solving. इसमें आपका जो homework है जो आपको मिला वो भी complete हो जाएगा, इस chapter का explanation भी हो जाएगा और throughout जो activity है पूरा activity भी हम लोग solve कर लेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है चैप्टर का, आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू अप्रिसिएट द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिदम, डिफाइन ए प्रोग्राम, अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग रियल प्रॉब्लम्स इनटू प्रोग्राम्स, अप्रिसिएट दैट ए प्रॉब्लम कैन हैव मोर देन वन करेक्ट सॉल्यूशन, लर्न कम्युनिकेटिंग आइडियाज यूजिंग कोड्स एंड सिम्बॉल्स, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन फ्लो चार्ट्स एज वन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, identify different types of boxes used for flowchart with input output box, processing box, start or stop box, connector box and decision box, draw simple flowcharts for solving given problems, appreciate the need of a language in order to communicate, list various high level language that can be used to communicate with computers, understand the need of translator software called assembler, interpreter and compiler for communicating with the computer. ये सब हम लोग सीख लेंगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर, मतलब चैप्टर एंड होगा तो हम लोग ये सारा कंसेप्ट सीख चुके रहे. लेट अस स्टार्ट. इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग. लेट्स टेक एन एक्टिविटी इन विच वी आर गोइंग टू वर्क इन पेयर्स. वी विल यूज शीट्स ऑफ 4x4 ग्राफ पेपर स्टार्टिंग एट द फोर्थ ग्रिड इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर. लेट्स गाइड आवर पार्टनर हुम वी आर अज्यूमिंग टू बी automatic realization machine with simple instruction. These instructions include कुछ instructions दिया गया है किसी particular problem के लिए. इसमें instructions दिया हुआ है children move one square right, फिर move one square left, फिर move one square down, फिर fill in square with color. ये कुछ instruction है किसी particular problem का activity के लिए दिया गया है 4x4 sheets में, है ना. Next यहाँ पे जो दिया हुआ है डू यू नो में देखिए दिया है एल्गोरिदम क्या होता है. स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम. जब हम लोग स्टेप का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो दैट इज नोन एज एल्गोरिदम. तो एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. इसके लिए कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टेप्स में दिया हुआ, मतलब ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये सारा स्टेप्स हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे कुछ दिया हुआ है 4x4 में कुछ ग्राफ पेपर पे, यहाँ पे गिवन बिलो इज एन एल्गोरिदम टू इंस्ट्रक्ट द फ्रेंड और पार्टनर हु इज प्रिटेंडिंग टू बी अ ड्राइंग मशीन टू कलर द ब्लैंक ग्रिड्स एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड सो दैट वी गेट द आउटपुट लाइक इमेज सोन बिलो. ये एक प्रॉब्लम चिल्ड्रन दिया हुआ 4x4 में 16 स्क्वायर से. इसमें स्टार्ट आपका ये इस पोजिशन पे है और आपको ये प्रॉब्लम दिया गया कि आपको इस स्क्वायर को फिल करने में क्या स्टेप्स यूज होगा. तो अगर आप इस स्क्वायर को फिल करोगे तो क्या स्टेप्स होगा, तो इसका यूज़ करना है आपको ये वाला. तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से क्या करोगे, राइट की तरफ जाओगे तो मूव वन स्क्वायर राइट लिखोगे. देखो यहाँ पे लिखा है मूव वन स्क्वायर राइट. देन आपको क्या करना होगा, स्क्वायर को फिल करना है तो फिल इन स्क्वायर विथ कलर लिखेंगे. फिर हम मूव वन स्क्वायर क्या करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे क्योंकि हमको इसको भी फिल करना है. तो देखिए यहाँ पर लिखे मूव वन स्क्वायर राइट. फिर हमको क्या करना होगा, नीचे की तरफ जाना होगा इस स्क्वायर से तो मूव वन स्क्वायर डाउन करेंगे हम लोग. और लास्ट में फिर क्या करेंगे, फिल इन स्क्वायर विद कलर. ठीक है, एक बार राइट फिर फिल फिर राइट फिर डाउन फिर फिल. ठीक है, नेक्स्ट. दैट सिंपल है ना, बट इट वुड बी लाइक इट वुड टेक अ लॉट ऑफ राइटिंग टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर ए स्क्वायर लाइक द वन गिवन. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो इस चीज़ को अभी आप लोग मत देखिए, इस चीज़ को आपको नहीं देखना, आपको अपने से सॉल्व करना है. तो इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग पोजिशन ये स्क्वायर पे तो क्या करेंगे, मूव वन स्क्वायर राइट करेंगे देन फिल इन स्क्वायर विथ कलर करेंगे. फिर मूव वन स्क्वायर राइट करेंगे फिर फिल इन स्क्वायर विथ कलर करेंगे. फिर मूव वन स्क्वायर राइट करेंगे फिर मूव वन स्क्वायर डाउन करेंगे फिर फिल इन स्क्वायर विथ कलर करेंगे. फिर मूव वन स्क्वायर लेफ्ट करेंगे फिर मूव वन स्क्वायर लेफ्ट करेंगे फिर मूव वन स्क्वायर लेफ्ट करेंगे फिर फिल इन स्क्वायर विथ कलर करेंगे. तो वही स्टेप यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है. तो ये स्टेप्स को आप खुद से लिखिए, ठीक है, ट्राई कीजिए. ट्राई इट इज़ वेरी इजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम.
With one little substitution, we can do this much more easily. Instead of having to write down an entire phrase for each instruction, we can use arrows. अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम में स्टेप्स का यूज कर रहे हैं ना चिल्ड्रन, स्टेप्स का यूज करके हम लोग कर रहे थे. अब हम लोग क्या यूज करेंगे, एरोज का यूज करेंगे. इंस्टेड ऑफ स्टेप्स वी आर गोइंग टू यूज एरोज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. देखिए मूव वन स्क्वायर राइट के लिए राइट एरोज, मूव वन स्क्वायर लेफ्ट के लिए लेफ्ट एरो, मूव वन स्क्वायर अप के लिए ये वाला एरो है, मूव वन स्क्वायर डाउन के लिए नीचे वाला एरो, और फिल इन स्क्वायर विद कलर के लिए इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, है ना. ठीक है चलिए. अब यहाँ पे अगर स्टार्टिंग पैटर्न है, यूजिंग एरोज वी कैन रीडू द कोड फ्रॉम द प्रीवियस इमेज मच मोर इजिली. अब देखिए इसी को हम लोग सिंबल से बनाते हैं. तो यहाँ पे सिंबल में देखिए सबसे पहले मूव वन स्क्वायर राइट होगा, फिर फिल इन स्क्वायर के लिए ये सिंबल देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूज करना है, फिर मूव वन स्क्वायर राइट होगा, फिर फिल इन स्क्वायर विद कलर होगा, फिर मूव वन स्क्वायर राइट होगा, फिर मूव वन स्क्वायर यहाँ पे देखिए डाउन का हम लोग यूज करेंगे, फिर मूव फिल इन स्क्वायर विद कलर करेंगे, फिर मूव वन स्क्वायर लेफ्ट देखिए यहाँ से एक बार गए, फिर मूव वन स्क्वायर लेफ्ट, फिर मूव वन स्क्वायर लेफ्ट तीन बार होगा, और उसके बाद फिल इन स्क्वायर विद कलर. तो ये एरोज का यूज करके भी मतलब इन प्लेस ऑफ एल्गोरिदमिक स्टेप्स वी आर यूजिंग नाउ अ डिफरेंट सिंबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बस सिंबल आपको याद रखना है, बहुत आसान है सिंबल. नाउ प्रोग्राम एन एल्गोरिदम दैट हैज बीन कोडेड इनटू समथिंग दैट कैन बी रन बाय अ मशीन. प्रोग्राम क्या होता है, एक एल्गोरिदम जिसको कुछ कोडिंग किया रहता है, दैट हैज समथिंग दैट कैन बी रन बाय अ मशीन, या स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. नाउ ग्राफ पेपर प्रोग्रामिंग, 4x4 एक्टिविटी वर्कशीट, डिवाइड स्टूडेंट इनटू 4 पेयर्स, इनटू पेयर्स लेट ईच पेयर चूज एन इमेज फ्रॉम द इमेजेस शोन बिलो, डिस्कस द एल्गोरिदम टू ड्रॉ दैट इमेज विथ योर पार्टनर, कन्वर्ट एल्गोरिदम इनटू अ प्रोग्राम यूजिंग सिंबल्स, शेयर योर रिजल्ट विथ अनदर पेयर, चूज अनदर इमेज एंड गो अगेन. ठीक है, यह दिया हुआ एक्टिविटी 4x4 के लिए. तो ये आपको प्रॉब्लम दिया है और इसको अब आपको सॉल्व करना है. तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मूव वन स्क्वायर राइट होगा, फिल इन स्क्वायर विद कलर, फिर मूव वन स्क्वायर राइट, फिल इन स्क्वायर विद कलर, फिर मूव वन स्क्वायर राइट, मूव वन स्क्वायर डाउन होगा, फिर फिल इन स्क्वायर विद कलर, फिर मूव वन स्क्वायर लेफ्ट, फिर मूव वन स्क्वायर लेफ्ट, फिर मूव वन स्क्वायर लेफ्ट, देन फिल इन स्क्वायर विद कलर, फिर मूव वन स्क्वायर डाउन, फिर मूव वन स्क्वायर राइट, फिल इन स्क्वायर विद कलर, फिर मूव वन स्क्वायर राइट, फिल इन स्क्वायर विद कलर. तो इन सारे को आप अपने से सॉल्व करो चिल्ड्रन, ईजी है, कर सकते हो. डू यू थिंक यू कैन राइट अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कैन क्रिएट द सेम पैटर्न? इफ यस, ट्राई टू राइट एज मेनी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एज पॉसिबल. ऑब्जर्व दीज स्टेप्स केयरफुली. ऑल दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएट द सेम पैटर्न. हाउएवर, इन सम इंस्ट्रक्शन सेट द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर टू गेट द डिजायर्ड पैटर्न आर मोर देन द अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. Create one 4x4 pattern on graph paper or space given below other than the ones given above. Ask your partner to write the code for creating your pattern. अब देखिए यहाँ पे activity फिर दिया हुआ है, 4x4 का pattern है, इसमें मैंने अपने से कुछ कलाकारी कर दिया है, ये मैंने coloring कर दिया. तो यहाँ पे आपका देखिए इसका code मैंने लिखा है, move one square, यहाँ पे देख सकते हैं आप, move one square right होगा पहले, है ना, फिर fill in square with color हो गया, फिर आपका मूव वन स्क्वायर डाउन होगा आपको पता है, फिर फिल इन स्क्वायर विद कलर, फिर मूव वन स्क्वायर लेफ्ट जाएंगे, फिर मूव वन स्क्वायर डाउन आएंगे, फिर फिल इन स्क्वायर विद कलर, फिर मूव वन स्क्वायर राइट, और फिर मूव वन स्क्वायर डाउन इस तरह से आएंगे, और फिल इन स्क्वायर विद कलर. इसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसको आप कर लीजिए चिल्ड्रन. नेक्स्ट हमारा जो एक्टिविटी है या क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स फ्लो चार्ट. We all the familiar with the game called Snakes and Ladders. Let there be two teams, Team A and Team B. Team A captains will play the game and two volunteers will note down the steps being taken by the team captains. Other will keep a check on the board. Let's start the game. देखिए सांप सीढ़ी का गेम आई थिंक सबको ही खेले होंगे बचपन में, आई थिंक एवरी वन हैव प्लेड. कि अगर स्नेक के हेड पे आओगे तो काट लेगा, नीचे चले जाओगे, और स्नेक के और लैडर के बॉटम में आओगे तो सीढ़ी चढ़ जाओगे, है ना. तो ये आपका गेम दिया हुआ है, आई थिंक एवरी वन इज नोइंग द रूल ऑफ दिस गेम. नोट दैट यू हैव नोटेड डाउन द स्टेप्स यू लुक वाइल प्लेइंग, कंपेयर देम विद द स्टेप्स. अब इसका एल्गोरिदम लिखते हैं हम लोग. आइए देखिए यहाँ पे एल्गोरिदम दिया हुआ है. स्टार्ट होगा, फिर थ्रो द डाइस, एल्गोरिदम है ये. स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज नोन एज एन एल्गोरिदम.
तो स्टार्ट पहले जाएंगे, फिर थ्रो करेंगे डाइस में छक्का को, फिर मूव द गेम पीस गिट्टी एज पर द नंबर ऑन द डाइस, जो भी छक्का में आएगा उतना पीस हमको मूव करना पड़ता है। अगर स्नेक लैंडेड ऑन स्नेक हेड पे आएंगे, इफ यस तो स्लाइड डाउन टू द टेल ऑफ स्नेक, स्नेक के पूछ के पास हम चल जाएंगे और गो टू स्टेप सेवन। स्टेप सेवन गिव डाइस टू अनदर, सांप काट लेने पे हम लोग क्या होता है दूसरे को चांस देते हैं। अगर सांप नहीं काटता, इफ नो तो गो टू स्टेप फाइव, लैंडेड ऑन द बॉटम ऑफ द लैडर, हो सकता है आप सीढ़ी के नीचे आओ, इफ यस देन मूव अप द लैडर, आप ऊपर जाओगे अगर यस yes होगा तो, एंड गो टू स्टेप सेवन, फिर स्टेप सेवन मतलब अनदर प्लेयर को दोगे चांस। अगर इफ नो गो टू स्टेप्स, अगर नहीं आप लैडर में नहीं आते तो हैव यू रीच द लास्ट ब्लॉक, क्या तुमने लास्ट ब्लॉक रीच कर लिया, इफ यस देन गो टू स्टेप नाइन, ठीक है, यानी स्टेप नाइन क्या है आपका, यू आर द विनर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, फिर लास्ट में स्टॉप हो जाएगा। नाउ अब इसी का फ्लो चार्ट यहाँ दिया हुआ है, स्टार्ट करेंगे, थ्रो करेंगे डाइस, थ्रो करेंगे तो गिव डाइस टू नेक्स्ट प्लेयर, ठीक है, मूव द गेम पीस बिट्टी, लैंडेड ऑन स्नेक होगा तो स्लाइड डाउन कर जाएंगे, अगर नहीं होगा तो लैंडेड ऑन बॉटम ऑफ द लैडर होंगे तो मूव अप द लैडर करेंगे यस में, अगर नहीं होगा रीच द लास्ट ब्लॉक हो जाएगा, और नो होने पे आपका नीचे आ जाएंगे, और यू आर यस होने पे विनर हो जाएगा, अगर ये नो होगा तो फिर ये ऊपर वाले को चांस देगा, मूव द गेम पीस ऑफ बिट्टी। ये फ्लो चार्ट से You can notice various symbols being used in the flow chart. Different symbols have different meaning and should be used appropriately. देखिए rectangle है, parallelogram है, ellipse है, arrows है और diamond है, कितना symbol हो गया, एक दो और तीन और एक चार symbol हुआ है ना, rectangle, parallelogram, ellipse, arrows और diamond, पांच हो गए, पांच symbols हो गया है ना। Next आइए, What is a flow chart? A flow chart is a picture graphical representation of the problem solving process. Flow chart क्या होता है, एक picture होता है, graphical representation of the problem solving process. देखिए algorithm में हम लोग steps का use करते हैं problem को solve करने पे, और flow chart में हम लोग symbols का use करके problem को solve करते हैं। जैसे कि ये जो सांप सीढ़ी वाला गेम था, इसको हम लोग सिम्बॉल्स का यूज़ किए, देखिए यहाँ पे हम लोग डायमंड यूज़ किए हैं, पैरेललोग्राम यूज़ किए, सॉरी रेक्टेंगल यूज़ किए हैं, स्टार्ट स्टॉप यूज़ किए हैं, एरोस का यूज़ किए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, है ना। एलिमेंट्स ऑफ नाउ ए फ्लो चार्ट गिव्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। एलिमेंट्स ऑफ ए फ्लो चार्ट, क्या क्या एलिमेंट होता है फ्लो चार्ट, वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्ड बॉक्सेस रिप्रेजेंट द स्टेप्स ऑफ द सॉल्यूशन। ज्योमेट्रिकल शेप क्या क्या, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, एलिप्स होगा, एरोज होगा और डायमंड होगा। द बॉक्सेस आर कनेक्टेड बाय डायरेक्शनल एरोज टू शो द फ्लो ऑफ द सॉल्यूशन। बॉक्स इससे कनेक्ट होता है डायरेक्शनल एरोज से, देखिए यहाँ पे जितना भी आपका बॉक्स है ना, जितना भी ज्योमेट्रिकल शेप्स है, जैसे ये रेक्टेंगल है, ये डायमंड है, तो यहाँ पे देखिए एरोज से ये कनेक्टेड है, देख रहे हैं आप, सब एरोज से कनेक्टेड है। The boxes are connected by directional. Uses of a flowchart का क्या use है, To specify the method of problem solving a problem, to plan the sequence of a computer program, communicate ideas, solution, etc. Next, flowchart. सबसे पहला geometrical shape क्या है, ellipse बोलते हैं इसको। Ellipse is used to indicate the start and end of a flowchart. Start in the ellipse indicates the beginning of a flowchart. End or stop or exit written in the ellipse indicate the एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। एलिप्स का अगर स्टार्ट होगा, एलिप्स का मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है किसी भी फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड को, ठीक है, या एंड और स्टॉप, ठीक है, और एग्जिट को, दोनों में हम लोग यूज करते हैं। पैरेललोग्राम, इट इज यूज टू रीड डेटा इनपुट और टू प्रिंट डेटा। अगर आप इनपुट लोगे या प्रिंट करोगे डेटा, तो उसके लिए कौन सा सिम्बॉल है, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, यूज टू शो द प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्लो चार्ट। डायमंड, जैसे आपको प्रोसेसिंग करना है, ए प्लस बी का सम निकालना, तो रेक्टेंगल होगा। डायमंड हम लोग डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं, यस और नो के लिए। ए डायमंड विथ टू ब्रांचेस इज यूज टू शो द डिसीजन मेकिंग स्टेप इन ए फ्लो चार्ट। ए क्वेश्चन इज स्पेसिफाइड इन द डायमंड। जब भी आप डायमंड लोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इन द सिक्वेंस इज बेस्ड ऑन द आंसर टू द क्वेश्चन विच इज यस और नो। यस होगा या नो होगा उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मूव करता है। एरो, arrows are used to connect the steps in a flow chart to show the flow or sequence of problem solving process.
एरो का काम क्या होता है, जितना भी स्टेप्स है या जितना भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हम लोग फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एरोज करता है। कनेक्टर, स्मॉल सर्किल्स आर कॉल्ड कनेक्टर्स विच आर यूज फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट। डिफरेंट पार्ट्स होगा अगर फ्लो चार्ट का तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कनेक्टर। लेट्स टेक अप फ्यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दीज सिंबल्स एंड देयर यूज इन ए बेटर वे। सिक्वेंसिंग, इन दिस द प्रोग्राम फ्लो सिंपली मूव्स फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू द नेक्स्ट। देखिए स्टार्ट हो गया, रीड करने में इनपुट के लिए रीड यूज़ करें, फिर रीड बी किए इनपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज़ किए सेमी कॉल्ड ए प्लस बी, और फिर आउटपुट के लिए प्रिंट सम, फिर इंट के लिए इंट यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, स्टार्ट वाला पार्ट हो गया, ये इनपुट हम लोग लेने के लिए यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम, और ये वाला प्रोसेसिंग बॉक्स है जहाँ पे आपका प्रोसेसिंग होता है जोड़ घटाओ, और ये आपका हो गया पैरेललोग्राम किस लिए, फिर आउटपुट के लिए, है ना, ओ से आउट। तो स्टार्ट ए बी सम निकाले, शो किए, एंड किए। एवरी फ्लो चार्ट शुड हैव फॉलोइंग स्टेप, इनपुट डेटा, रीडिंग एंड असाइनिंग, देन हम लोग फ्लो चार्ट में प्रोसेस करते हैं कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन, फिर आउटपुट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग होता है। जैसे सिलेक्शन और ब्रांचिंग अब पढ़ेंगे हम लोग। इन ब्रांचिंग प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव पास डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, है ना। ब्रांचिंग में क्या होता है, कंट्रोल जो है कोई एक अल्टरनेटिव पाथ पे डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जैसे यू हैव सम मनी विच यू वॉन्ट यूज फॉर बाइंग ए बुक टू बी गिवन एज गिफ्ट टू योर फ्रेंड ऑन हर बर्थडे, द कॉस्ट ऑफ द बुक इज रुपीज 155 ओनली, ऑन रीचिंग होम यू विल चेक योर पिगी बैंक, इफ द मनी इज नॉट सफिशिएंट यू विल बाई अ कार्ड, हाउएवर इफ यू हैव एनफ मनी यू विल बाई द बुक अदर देन द गुड टू द बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे क्या इनपुट मनी है, प्रोसेस है कॉम्पेरिजन, अगर मनी 155 रुपया से ज़्यादा होगा तो आप क्या आउटपुट करोगे, बाइंग द गिफ्ट एंड गोइंग टू पार्टी। यहाँ देखिए स्टार्ट में देखिए गेट मनी इनपुट में लिए, अगर मनी ग्रेटर देन है, ये डायमंड सिंबल डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो 155 रुपये से ज़्यादा पैसा होगा तो आप क्या करोगे, बुक खरीदोगे, यस में बुक खरीद लिए हम लोग यहाँ पे, और अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कार्ड बाई करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, और फिर हम लोग दोनों केस में कहाँ जाएंगे, गो टू बर्थडे पार्टी, और फिर स्टॉप पे क्लिक करेंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब ये छोटा सा एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं, मैच द एलिमेंट्स ऑफ ए फ्लो चार्ट एंड देयर पर्पस, कैलकुलेट टोटल ऑफ ए बी सी, तो ये आपका प्रोसेस से मिलेगा। इंडिकेट दैट द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्वड, ये आपका स्टॉप से मिलेगा, हम लोग पढ़े थे। फाइंड इफ ए नंबर इज ग्रेटर देन द अदर, तो ये थ्री यहाँ पे डिसीजन से मिलेगा। रीड ए नंबर एंड कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, ये आपका फोर यहाँ लूप से मिलेगा। रीड थ्री नंबर्स, ये आपका इनपुट फाइव से मिलेगा। प्रिंट द टोटल, ये आपका किससे मिलेगा, आउटपुट से मिलेगा। इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो, ये आपसे कहाँ पे मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो यानी स्टार्ट सेवन से मिलेगा। नेक्स्ट कंप्लीट द क्रॉस पजल, तो फर्स्ट में आई एम ए रेक्टेंगल इन ए फ्लो चार्ट, व्हाट डू आई रिप्रेजेंट, तो ये होगा प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट है सो द फर्स्ट वन इज प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज व्हेन यू वांट टू शो ए डिसीजन मेकिंग स्टेप यू कैन यूज दिस, तो सेकंड में डायमंड हम लोग यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग। फोर्थ यू कैन यूज मी टू कम्युनिकेट आइडियाज ग्राफिकली रिप्रेजेंट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं फोर में, तो दैट इज़ फ्लो चार्ट, ग्राफिकल फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट। थर्ड फिफ्थ आई कनेक्ट टू ज्योमेट्रिकल बॉक्सेस इन ए फ्लो चार्ट, तो ज्योमेट्रिकल बॉक्सेस को कौन कनेक्ट करता है चिल्ड्रन, तो फिफ्थ वन इज एरो कनेक्ट करता है ना, एरो हो गया। इन द फ्लो चार्ट आई रिप्रेजेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल, तो वन में क्या होता है, इनपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज ऑल फ्लो चार्ट बिगिन विथ मी आई एम एलिप्टिकल इन शेप, तो थर्ड वन इज स्टार्ट, है ना, एलिप्टिकल शेप में कौन होता है, स्टार्ट होता है, तो इसको आप लोग कर लीजिए चिल्ड्रन ये सारा। नेक्स्ट ए बी सी आर द मार्क्स स्कोर्ड बाई ए स्टूडेंट इन साइंस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश,
रेफर टू द फ्लो चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. देखिए स्टार्ट रीड ए बी सी सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एवरेज सम बाई थ्री प्रिंट एवरेज. तो ये आपका क्या हो गया रीडिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रोसेसिंग, ये आपका प्रोसेसिंग सॉरी ये भी आपका रीडिंग है और ये आपका आउटपुट वाला पैरेललोग्राम यानी आउटपुट हो गया और ये डिसीजन बॉक्स इज एवरेज. अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में राहुल स्कोर 65 मार्क्स इन साइंस 75 इन मैथमेटिक्स एंड 80 इन इंग्लिश. यूज एडजेसेंट फ्लो चार्ट एंड परफॉर्म प्रोसेसिंग स्टेप्स टू कैलकुलेट एवरेज मार्क. द फर्स्ट स्टेप इज गिवन बिलो 65 75 और 80. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले हमको सम निकालना होगा तीनों का, फिर एवरेज निकालेंगे 220/3, फिर प्रिंट कर देंगे 73.33. तो यहाँ पे कुछ दिया है कंडीशन, एनी स्टूडेंट हुज एवरेज स्कोर इज एवव 75 इज अवार्डेड ए स्टार. जिसका 75% से ज़्यादा आएगा उसको अवार्ड मिलेगा स्टार से. फिल इन द फॉलोइंग फ्रेजेज एट द अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग इफ ए स्टूडेंट गेट्स ए स्टार और नॉट. यस नो अवार्ड ए स्टार डू बेटर टू गेट ए स्टार इज एवरेज ग्रेटर देन चार. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट होता है तो वो डिसीजन बॉक्स में इस एवरेज ग्रेटर देन 75 यहाँ पे आ जाएगा ये वाले बॉक्स में. उसके बाद अगर यस होगा, यहाँ देखिए मैंने यस लिखा, यस होगा तो अवार्ड ए स्टार आएगा ये वाले बॉक्स में. और नो होगा, जैसे मेरे जैसे यहाँ पे छूट गया, यहाँ नो लिख लेना चिल्ड्रेन आप लोग, ये वाला नो जो है ये नो ये इस लाइन में आएगा. और नो वाले केस में यहाँ पे ये जो डू बेटर टू गेट ए स्टार यहाँ पे आ जाएगा और एंड वाला पार्ट हम यहाँ पे लिखा ही हुआ है. ठीक है, इज राहुल अवार्डेड स्टार यस और नो, तो नो नहीं मिला ना क्योंकि उसका तो कितना आया 73.33. मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट टू मोर स्टूडेंट्स आर गिवेन बिलो. यूज द एवर फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट एंड कम्प्लीट द ब्लैंक्स गिवेन बिलो बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स. तो प्रिया है, सौम्या इनका मार्क्स दिया है, तो प्रियाज का एवरेज 78 आएगा तो सो ही इज अवार्डेड ए स्टार होगा. एंड सौम्याज एवरेज 68 आया तो सो ही इज नॉट अवार्डेड ए स्टार. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 78 यहाँ 68, यहाँ अवार्डेड है यहाँ नॉट अवार्डेड है. आप चाहो तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिख देते हैं, यहाँ पे आपका क्या होगा अवार्डेड अवार्डेड. ठीक है, ये कलर ऐसा क्यों आ रहा है, कोई और कलर है, ब्लैक कलर या रेड कलर से कर देते हैं, नहीं ब्लैक ही कर देते हैं. अवार्डेड है ना, ये अवार्डेड हो गया. और यहाँ पे आपका नीचे वाले में नॉट अवार्डेड. ठीक है चिल्ड्रन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपको. द फॉलोइंग एम्प्टी फ्लो चार्ट इंडिकेट द स्टेप टू बी फॉलोड वाइल सीकिंग एडमिशन इन ए स्कूल. द फ्रेजेस टू बी फिल्ड इन द बॉक्सेस आर ऑल्सो गिवेन बिलो. कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाई फिलिंग इन द नंबर ऑफ द करस्पॉन्डिंग फ्रेज इन साइड ईच बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट इन द फ्लो चार्ट इज 7. आफ्टर सॉल्विंग इट ड्रॉ द फ्लो चार्ट यूजिंग सिम्बॉल्स अवेलेबल इन राइटर में आपको बनाना है फिर इसको. ठीक है, तो सर्च फॉर ए स्कूल 1 यहाँ पे आएगा क्योंकि प्रोसेसिंग है. 7 आपका स्टार्ट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. 6 देखिए आर सीट्स अवेलेबल क्वेश्चन मार्क है तो डायमंड में आएगा. उसके बाद 8, फिर 8 नंबर इज देयर एंड एडमिशन टेस्ट होना चाहिए तो 8 भी क्वेश्चन मार्क है तो डायमंड में आएगा. फिर 2 आपका प्रोसेसिंग में आएगा क्योंकि 2 में देखिए प्रिपेयर फॉर द एडमिशन टेस्ट एंड राइट द टेस्ट है तो 2 यहाँ आ गया. 3 आपका फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, डिड यू पास द एग्जाम, तो फिर से डायमंड में आएगा. जहाँ क्वेश्चन मार्क है डायमंड में घुस जाएगा. प्रोसेसिंग 4 में देखिए यहाँ पे क्या है, सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड गेट एडमिशन, यहाँ पे 4 आ गया. देन लास्ट हो गया 5th में आपका देखिए क्या है, एंड है तो एंड को हम लोग यहाँ पे पुट अप. तो ये आपका सिंबल हो गया 6 8 2 3 4 5 और ऊपर में 1. ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, आपको होमवर्क भी मिला है ये शायद, देख लीजिएगा. नाउ द फ्लो चार्ट इंडिकेट द स्टेप टू बी फॉलोड वाइल फाइंडिंग आउट वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो. सम बॉक्सेस इन द फ्लो चार्ट आर फिल्ड इन फॉर यू, फिल इन द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स विद करेक्ट फ्रेजेस. आफ्टर सॉल्विंग इट ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट यूजिंग सिम्बॉल्स अवेलेबल इन राइट. चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको इस फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आपको चेक करना है नंबर पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा. तो यहाँ देखिए स्टार्ट दिया हुआ है, रीड किए ए इज ए इक्वल टू जीरो तो यस होगा तो जीरो होगा, अगर नो हुआ तो इज ए ग्रेटर देन यस होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नो होगा तो निगेटिव लिखेंगे.
ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो में ऑब्वियस है पॉजिटिव ही होगा, और अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस है ए से कम है तो यानी निगेटिव होगा। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। पेपर कार्ड्स टू प्ले थम डम सेल्स कुछ गेम है। वन स्टूडेंट इज टू पिक ए वर्ड कार्ड एंड एक्ट द वर्ड विदाउट स्पीकिंग सो दैट रेस्ट ऑफ द क्लास इज एबल टू गेस द वर्ड। आफ्टर सक्सेसफुल गेस ऑफ द वर्ड डिस्कस व्हाट मेड द कम्युनिकेशन डिफिकल्ट व्हेन वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक। अगर हम कुछ बोले नहीं और डम रहे, ठीक है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो क्या बोल रहा है। एबसेंस ऑफ लैंग्वेज मेक्स कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। इस प्लेइंग गेम का, इस एक्टिविटी का यही मतलब है कि अगर हम लोग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट्स नाउ ट्राई टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर विच कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन एंड रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इन योर मदर लैंग्वेज विच लैंग्वेज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। देखिए कंप्यूटर जो है एक ही लैंग्वेज समझता है, एंड दैट लैंग्वेज ओनली वन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, है ना। कंप्यूटर क्या समझता है चिल्ड्रन, आपको अगर देखे तो कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है और उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं हम लोग? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, या उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ जीरोज, सीरीज ऑफ जीरोज एंड वंस। देखिए यहाँ पे जीरो और वन का सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, जीरो और वन के अलावा कुछ नहीं जानता कंप्यूटर, यही समझता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो और वन, ठीक है। मशीन कोड, डज दिस मेक एनी सेंस टू यू? आई गेस नॉट, व्हाइल इजली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फॉर अस, फॉलोइंग एक्टिविटी एक्सप्लेन विद कोड्स। अगर मशीन कोड में आपसे बात किया जाए जीरो और वन में तो बहुत डिफिकल्ट होता है कंप्यूटर से बात करना, इसीलिए हम लोग मशीन कोड में अभी नहीं बात करके सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में बात करने जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नाउ एक एक्टिविटी दिया हुआ है चिल्ड्रन, कोड और डिकोड ए मैसेज टू बी डन इन पेयर्स, कंसीडर द फॉलोइंग कोड कीज दिया हुआ है, ये गो टू का विथ का। कोड्स फॉर डिफरेंट वर्ड्स आर डिफरेंट, यू विल नीड मोर डिजिट्स इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट मोर कोड्स। अज्यूम योर पार्टनर इज अ कंप्यूटर एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज इन योर लैंग्वेज, गिव कोड एंड मैसेज टू योर पार्टनर विद द हेल्प ऑफ कोड की गिवन। समझ लीजिए कि आपका जो पार्टनर है वो कंप्यूटर है और वो मैसेज को नहीं समझ सकता, तो अब आपको क्या देखना है, ऐसा कोडेड मैसेज देना है जिससे वो कोड की को समझ ले। तो यहाँ पे देखिए मैसेज क्लोज है, तो क्लोज को वो कैसे समझेगा? 1011 से। बुक को कैसे समझेगा? तो देखिए बुक का 0100। कम को कैसे समझेगा? तो कम के लिए 1001, बाकी आप अपने से करो चिल्ड्रन, ठीक है। हेल्प योर फ्रेंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग मैसेज बाई डिकोडिंग इट विद द हेल्प ऑफ कोड की। अब उल्टा करना है ना, मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज में लिखना है। 1000 का क्या होता है? तो गो टू होता है, देखिए मैंने गो टू लिख दिया। 0001 के लिए क्या होता है जी? तो रूम होता है, देखिए रूम लिख दिया मैंने। 110 के लिए क्या होता है जी? तो पिक होता है, यहाँ मैंने पिक लिख दिया। इसी तरह इस पूरे को भी आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, अपने से करो, पूरा बताना जरूरी नहीं है। नोट, स्टूडेंट कैन क्रिएट देयर ओन कोड्स फॉर डिफरेंट वर्ड्स एंड प्ले द गेम। ट्रेजर हंट फॉर प्लेइंग द गेम मेक टू टीम्स, टीम ट्रेजर टू हाइड द ट्रेजर एंड गिविंग कोडेड क्लूज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। टीम हंटर्स डिकोड द क्लूज एंड हंट फॉर द ट्रेजर, प्ले टू फाइंड आउट व्हाट विंस द कोडिंग और डिकोडिंग गेम। कर सकते हो आप, गेम खेल सकते हो इसके लिए, छोटा सा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन वेल इमेजिन Writing in ones and zeros all day will leave you prone to mistakes. By using codes resembling English programming language becomes much easier. ठीक है, अगर आप कोड का यूज़ करोगे तो इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ईजियर है। अर्ली कंप्यूटर्स वेयर डेवलप्ड इन मशीन लैंग्वेज, लेकिन मशीन लैंग्वेज का मतलब कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1, और 0 1 में कम्युनिकेशन करना आज के पर्सन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, तो इसी को देखते हुए क्या बनाया गया था? इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। द यूजेज ऑफ एम निमोनिक कोड, सॉरी निमोनिक कोड सच एज LDA फॉर लोड, STA फॉर स्टोर एंड SBSUB फॉर सब्सट्रैक्ट मीन्स द कोड इज ईजियर टू रीड एंड राइट। ये कोड है कि लोड करने के लिए LDA लिखोगे, स्टोर करने के लिए STA और सब्सट्रैक्ट करने के लिए SUB, है ना। पुराने ज़माने में क्या था, मशीन लैंग्वेज के बाद एक और लैंग्वेज आता था जिसको निमोनिक कोड्स में लिखते थे, तो इसमें हम लोग LDA, STA और SUB का यूज़ करते थे। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज निमोनिक कोड्स ऑफ राइटिंग कोड इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। इसको क्या बोलते थे, जो निमोनिक कोड में हम लोग
01 में के जगह पे क्या यूज़ करते थे, निमोनिक कोड यूज़ करते थे, तो इसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते थे। विद द नीड ऑफ मेकिंग प्रोग्रामिंग सिंपलर हाई लेवल लैंग्वेज वेयर डेवलप, ये निमोनिक कोड भी बहुत टफ लगने लगा लोगों को, तो इसके बाद कौन सा लैंग्वेज बना दिया गया, हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश वर्ड्स, दीज लैंग्वेज मेक यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स जो आज यूज होता है, एंड मैथमेटिकल सिंबल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम। अभी प्लस माइनस इनटू यूज करते हैं, डायरेक्ट ऐड सब्सट्रैक्ट यूज करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग, है ना। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इससे पहले जो था वो असेंबली लैंग्वेज था जिसमें लोड के लिए LDA, स्टोर के लिए STA, ये भी लिखना बहुत टफ था, तो अब चेंज कर दिया गया। क्यू बेसिक इज वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज यूज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इसमें क्यू बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। रिसर्च वर्क एक्टिविटी है हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स, 1964 में डेवलप हुआ, जेजी कामी केमी एंड थॉमस कूज ने इसको डेवलप किया। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, 1959 में कोडेसल ने बनाया। फोर्ट्रान का होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, 1954 में जॉन बैकस ने बनाया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एल्गोरिदम्स एंड स्ट्रक्चर पास्कल का, 1970 में निकलॉस वर्थ ने बनाया इसको, ठीक है। नेक्स्ट है सी, सी लैंग्वेज का फुल फॉर्म सी ही होता है, 1972 में डेनिस रिट्ची ने बनाया इसे। फिर सी प्लस प्लस का आपका 1979 में बजारने स्ट्रॉप ने बनाया इसको, और जावा का फुल फॉर्म जावा ही होता है, 1991 में जेम्स गॉसली ने बनाया, ठीक है। थोड़ा सा ये आपका दिक्कत हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर्ट्रान वाला के लिए, यहाँ पे पहले हम फोर्ट्रान वाला लिख देते हैं, निकलॉस है ना, क्या है निकलॉस LAUS वर्थ, ठीक है चिल्ड्रन, ये हो गया इसका निकलॉस वर्थ। उसके बाद है आपका नेक्स्ट हम लिख देते हैं डेनिस रिट्ची, जो कि आपका सी का है, डेनिस रिट्ची हो गया। उसके बाद आपका हम लोग लिख देते हैं बजारने स्ट्रॉप सी के लिए, बजारने STROP, ठीक है। और जेम्स गॉसलिंग हो गया जावा का, जेम्स गॉसलिंग है ना, ये साइंटिस्ट लोग का नाम थोड़ा ध्यान से लिखना, स्ट्रॉप होगा STROUSTROP, यहाँ पे थोड़ा सा यू होगा चिल्ड्रन, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, यू लिख देना, स्ट्रॉस STROUSTROP, स्ट्रॉप, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, यू मस्ट बी वंडरिंग ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, देन हाउ कम वी कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन योर थिंकिंग, यू विल गेट योर आंसर इफ यू आर एबल टू फिगर आउट हाउ वी विल कम्युनिकेट, ठीक है। हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इफ़ यू हैपन वी गो टू चाइना और जर्मनी एज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, अगर आप चाइना या जर्मनी जाओगे तो वहाँ का लैंग्वेज आपको समझ में आएगा नहीं। नाउ यू आर थिंकिंग राइट, वी कैन हायर ए ट्रांसलेटर, हम लोग को क्या चाहिए, चाइना जाएंगे या जर्मनी तो हम लोग को एक ट्रांसलेटर चाहिए, हु कैन ट्रांसलेट आवर मैसेज टू जर्मनी और चाइनीज लैंग्वेज एंड देयर आंसर आवर मैसेज बैक टू द लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड, लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर। Now, assembler converts an assembly language program into machine code which is directly understood by computer. Assembler क्या करता है, convert करता है assembly language को किसमें, machine language, machine code में, और that is directly understood by computers. तो यहाँ देखिए mnemonic codes language source code है, यहाँ assembler है machine code में convert किया, ये assembler करता है। High level language translator क्या, since there are different high level language, hence we need different translator for different language. If we are working on C++ language, we will require C++ translator compiler, and if we are working on QBasic, then we require translator interpreter for QBasic. ठीक है, अगर C++ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो तो वहाँ कंपाइलर है, और अगर QBasic लैंग्वेज पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे इंटरप्रेटर होता है। दिस ट्रांसलेशन इज डन इन टू वेज, टेक अप द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द टू मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी, इनवाइट टू स्टूडेंट फॉर दिस एक्टिविटी, स्टूडेंट वन इज टू बी कॉल्ड स्पीकर, स्टूडेंट टू इज टू बी कॉल्ड इंटरप्रेटर, ठीक है। हम लोग इंटरप्रेटर
के बारे में पढ़ेंगे. स्पीकर इज सपोज टू स्पीक आउट वन पॉइंट एट ए टाइम इन एनी लैंग्वेज, मे बी इंग्लिश. इंटरप्रीटर इज सपोज टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी एंड स्पीक आउट इमीडिएटली. दे आर नो नीड टू राइट द सिक्वेंस टू बी मेंटेन्ड एज हिंदी इंग्लिश, देखिए यहाँ पे दिया हुआ. इज द इंग्लिश एच फॉर हिंदी, है ना. एंड नंबर्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेंटेंसेज सच एज वन इज फॉर सेंटेंस वन. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी दिया हुआ है. चिल्ड्रन टू स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर दिस एक्टिविटी. क्लास का एक्टिविटी है चिल्ड्रन, क्लास में ही बताया जाएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा. इसको ऐसे बताना पॉसिबल नहीं, क्लास का एक्टिविटी है. ठीक है, इसको इस वीडियो को भी आप देख सकते हो. इंटरप्रीटर क्या होता है? इंटरप्रीटर फीचर सिंगल इंस्ट्रक्शन और ए सिंगल स्टेप ऑफ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इन टू मशीन. इंटरप्रीटर क्या करता है? सिंगल स्टेप लेता है प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है और उसको मशीन कोड पर. देखिए कंपाइलर भी आपका जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज. इंटरप्रीटर भी किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में. तो C++ कंपाइलर यूज़ करता है, क्यू बेसिक इंटरप्रीटर का यूज करता है. द साइकिल ऑफ फेच ट्रांसलेट एग्जीक्यूट इज रिपीटेड फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शन. इफ देयर इज नो एन एरर इन द इंस्ट्रक्शन द इंटरप्रीटर टर्मिनेट इट्स प्रोसेस एट दैट स्टेटमेंट. एट दैट स्टेटमेंट डिस्प्लेज एन एरर मैसेज. After correcting the error, the program high level is submitted again. QBasic is one of the example of interpreter for language. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. कहीं भी एरर आगा तो लाइन बाय लाइन एरर देगी. लेकिन इंटरप्रीटर क्या, कंपाइलर क्या करेगा? सारे को एक बार में कन्वर्ट कर देगा. मतलब पूरा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम 10 लाइन का आपने कोड लिखा, एक बार में कन्वर्ट कर देगा. किस में? मशीन लैंग्वेज. एरर जो होगा दिखा देगा. लेकिन इंटरप्रीटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है उसको एरर के साथ आपको डिस्प्ले करेगा, लेकिन लाइन बाय लाइन कोड करेगा इंटरप्रेटर. यही डिफरेंस है. यहाँ पे जैसे प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रिंट हेलो लेट ए इक्वल टू 5, लेट बी इक्वल टू 7, ए इक्वल टू ए प्लस बी, फेच प्रिंट हेलो, देन ट्रांसलेट. देखिए एक एक करके पहले वन प्रिंट हेलो को करेगा, फिर इसको मशीन कोड में करो, फिर कंट्रोल बैक टू द प्रोग्राम फॉर फेचिंग नेक्स्ट. ये इंटरप्रेटर है. फर्स्ट लाइन करेगा, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा. कौन? इंटरप्रेटर. और ये कंपाइलर होगा तो एक बार में सब को एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि C++ और C में यूज होता है. लेकिन क्यू बेसिक क्या यूज़ करता है? इंटरप्रेटर. जावा भी क्या यूज़ करता है? इंटरप्रेटर. पाइथन अभी जो आप नाम सुनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो क्या यूज़ करता है? इंटरप्रेटर. कंपाइलर लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम एज ए होल. देखिए पूरे प्रोग्राम को एक साथ में इन वन गो इन टू मशीन कोड इज कॉल्ड कंपाइलर. एक ही बार में पूरा मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा. द प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड एंड द प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इन टू मशीन कोड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड. जब प्रोग्राम जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, जावा में, क्यू बेसिक में, है ना, पाइथन में, उसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड प्रोग्राम बोलते हैं. और उसको जब कन्वर्ट कर देते हैं मशीन कोड में तो उसको क्या कहते हैं फिर हम लोग? ऑब्जेक्ट कोड. कंपाइलेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल इफ सोर्स कोड इज फ्री ऑफ एरर्स. ठीक है, कंपाइलेशन कोड तभी सक्सेसफुल होगा अगर सोर्स कोड फ्री ऑफ एरर्स होगा. इफ देयर आर एनी एरर्स इन द सोर्स कोड द कंपाइलर स्पेसिफाइज ऑल द एरर्स विद लाइन नंबर्स. द एरर्स मस्ट बी रिमूव बिफोर द कंपाइलर कैन सक्सेसफुली रिकम्पाइल द सोर्स कोड. देखिए यहाँ पे एक बार में कंपाइलर सारे को कन्वर्ट कर दिया, देख रहे हैं आप, जबकि ऊपर में देखिए लाइन बाय लाइन कर रहा था कंपाइलर, है ना. यहाँ पे ये क्या कर रहा है? लाइन बाय लाइन कर रहा है. कंपाइलर एक बार में सारे को कन्वर्ट किया. तो अब डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग दोनों का, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का. वेरी इंपॉर्टेंट कंपाइलर. ये कॉपी में आपको लिखना चाहिए, क्लास वर्क कॉपी में. कंपाइलर टेक्स इंटायर प्रोग्राम एज इनपुट, जबकि इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट. इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट इज जनरेटेड, नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट इज जनरेटेड. यहाँ मेमोरी रिक्वायरमेंट मोर सिंस ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस इंटरप्रेटर. विच वन इज गुड? आई थिंक इंटरप्रेटर इज गुड, है ना. प्रोग्राम नीड टू बी कंपाइल्ड एवरी टाइम. कंपाइलर कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम इन टू द मशीन कोड. वेन ऑल द एरर्स आर रिमूव एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस. आप लोग सबको पता है एक बार में कंपाइलर कन्वर्ट करता सारे प्रोग्राम को इन वन गो, जबकि कंपाइलर के अलावा इंटरप्रेटर क्या करता है? एवरी टाइम हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इन टू लोअर लेवल प्रोग्राम, ईच टाइम द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, एवरी लाइन इज चेक फॉर एरर एंड देन कन्वर्टेड इन टू इक्विवेलेंट मशीन कोड. बस ये याद रखना, कंपाइलर वन गो में पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. ठीक है, और चेक करता है एरर के लिए. ठीक है, एवरी लाइन इज चेक्ड फॉर एरर. ऑल एरर्स आर डिस्प्लेड आफ्टर इंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड. सारा एरर कब चेक डिस्प्ले होगा? जब पूरा प्रोग्राम चेक हो जाएगा. एरर्स आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटेड एट ए वन एट ए टाइम. इसमें लाइन बाय लाइन एरर का डिस्प्लेसमेंट होगा. एग्जाम्पल सी कंपाइलर, यहाँ पे एग्जाम्पल क्यू बेसिक, है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट द होमवर्क एंड द हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड द फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 6 क्लास 8. होप यू लाइक दिस. अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें.
ठीक है चिल्ड्रेन, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, लाइक करना शेयर करना, लाइक करना शेयर करना, थैंक यू।